मीडिया साथियों का यहाँ पर स्वागत है। मैं देवेंद्र शास्त्री, मैं राजस्थान आम आदमी पार्टी का कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ आप लोगों के साथ आया हूँ। मैं जाइज पे बैठे हुए हमारे तमाम नेताओं के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। आशीष खेतान जी आप सब जानते हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे तमाम मैनिफेस्टो और जो पार्टी के इलेक्शन से जुड़े हुए जो एक्टिविटी है उसके मुख्य कार्यकर्ता हैं। ओम जांगू जी हैं कि हमारे राजस्थान में किसान आंदोलन से पिछले 30-35 साल से जुड़े हुए हैं, हमारे पार्टी के बहुत ही सशक्त नेता हैं। और अभी जो हाल ही में जो आंदोलन किसानों के चल रहे हैं उसमें बहुत सक्रियता से भाग ले रहे हैं। सत्यप्रकाश जी सिहाग ये भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हमारे पार्टी के नेता हैं। और अभी फिलहाल सूरतगढ़ से हमारे पार्टी के कैंडिडेट भी हैं। और अभी जो नॉर्दर्न इंडिया और इसके साथ साउथ इंडिया में जो किसान आंदोलन है उनमें इन्होंने काफ़ी सक्रियता से भाग लिया है। राजू जाट है, ये भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हमारे बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं। दीपक वाजपेयी जी आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। ये जो आज का विषय है ये 1 जून से 10 जून के बीच किसानों के दो बड़े संगठनों ने, जिसमें एक कुल 172 संगठन शामिल हैं, उनका एक कॉल है जिसमें किसान जो है वो अपने प्रोड्यूस को अपने ही घर पर हाट लगा कर बेचेंगे और एक ये उनका विरोध का तरीका है। इस बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए मैं श्री आशीष खेतान जी से निवेदन करूंगा कि वो इसके बारे में पार्टी के स्टैंड और किसानों के मुद्दों पर बात करें। धन्यवाद। आपको पता ही है कि पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और दो बड़े किसान संगठन, राष्ट्रीय किसान महापंचायत जिसमें करीब 69 किसान संगठन शामिल हैं और आम किसान यूनियन जिसमें 103 संगठन हैं, तो कुल मिला के करीब 172 संगठन राष्ट्रीय किसान महापंचायत और आम किसान यूनियन के बैनर के तहत 1 जून से 10 जून तक देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। पिछले 8-10 वर्षों से देश में किसानों की दो प्रमुख मांगें रही हैं। पहली मांग कि हमें अपनी लागत का 50% मुनाफा दिया जाए, कॉस्ट प्लस 50%, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया था, और दूसरा हमें कर्जे से मुक्ति दिलाई जाए। इन दोनों मांगों को स्वीकार किया था और ये वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में लिख कर किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसान को उसकी उत्पाद का 50% मुनाफा देंगे और कर्जे से मुक्ति देंगे। लेकिन हम सभी को पता है कि कैसे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपने इस वादे से मुकर गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दे दिया कि ऐसा वो नहीं करेंगे। इन दोनों मांगों को लागू करने के लिए ये आंदोलन है, लेकिन साथ में जो किसानों को दर दर भटकना पड़ता है, अपनी फसल अपनी उत्पाद लेकर मंडी में जाता है किसान, अगर किसान का 10 रुपये खर्च होता है तो कभी उसको 7 रुपये मिलता है, कभी 8 रुपये मिलता है, और उसके वजह से किसान को भूखा मरना पड़ता है, किसान को फांसी लगानी पड़ती है, किसान को जहर खाना पड़ता है। इस आंदोलन के तहत 1 से 10 जून के बीच में किसानों ने यह तय किया है कि वह अपनी फसल अपनी उत्पाद अपने ही गांव में अपनी हाट लगा के बेचेंगे। वो मंडी नहीं जाएंगे, वो शहर नहीं जाएंगे, वो बिचौलियों के बीच में नहीं जाएंगे, वो अपनी फसल अपने गांव में बेचेंगे और वो अपनी फसल का उचित दाम मांगेंगे। अगर किसान का 10 रुपये खर्च हुआ है तो जो तमाम सरकारों ने और खास करके मोदी सरकार ने वादा किया था कि 10 अगर आपकी लागत है तो हम 15 रुपये देंगे, वो 10 का 15 मांगेंगे और अपनी लागत मांगेंगे।
किसान बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति बनी थी इन संगठनों के बैनरों के तहत। उनके प्रदेश संयोजक पंकज धनखड़ और गंगानगर किसान समिति के जिला संयोजक रणजीत सिंह राजू जी ने आम आदमी पार्टी राजस्थान से संपर्क किया और आम आदमी पार्टी से किसानों की मांग पर खुलकर समर्थन करने का आग्रह किया और हमने उनकी इस रिक्वेस्ट को फौरन स्वीकार किया। इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी 1 से 10 जून तक राजस्थान में शिरकत करेगी, शामिल होगी। इन दोनों किसान संगठनों ने बाकी किसी भी पार्टी के नेताओं को, MLA को, MP को इस आंदोलन में शिरकत करने से रोका है, मना किया है और किसी को भी शामिल होने नहीं दिया जाएगा किसी राजनीतिक दल को। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, राजस्थान के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल होंगे और किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर आंदोलन को सफल करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय किसान महासंघ के इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रीय किसान महासंघ, राष्ट्रीय किसान महापंचायत की बैठक महाराष्ट्र के सेवाग्राम में 9 मई को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता संदीप गिड्डे जी ने की थी और वहीं पर यह प्रस्ताव पारित किया गया था 1 से 10 जून तक आंदोलन चलाने का। आंदोलन की जो एक बात मैंने बताई है कि किसान अपनी हाट लगाकर वहीं अपनी फसल बेचेगा, दूसरा आंदोलन की बाकी जो प्रस्ताव हैं वो ये है कि वहाँ पे पैम्फलेट छपवाए जाएंगे जन जागरण के लिए हिंदी और स्थानीय भाषाओं में और किसानों के बीच में और गांव वालों के बीच में बंटवाए जाएंगे, जिससे आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी दी जा सके और किसानों की और बाकी मांगे क्या हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाई जा सके। एक 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है जिसका दायित्व अन्य संगठनों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करने का है और दूध व सब्जियों पर भी MSP निर्धारित हो इसकी भी मांग इस आंदोलन के तहत की जाएगी। और किसान इस पूरे आंदोलन में ये अहिंसक पूरी तरीके से पीसफुल ये आंदोलन रहेगा और अगर किसी तरह की हिंसा सरकार द्वारा या सरकार द्वारा जो अलाइन ग्रुप्स हैं उनके द्वारा भड़काई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। और सभी किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 1 से 10 जून तक वो अवकाश पर रहेंगे, किसान पूर्णतया छुट्टी पर रहेंगे, सिर्फ अपनी हाट पर ही बेचेंगे, ना बाहर जाएंगे, बाहर जाके कुछ भी नहीं बेचेंगे। और किसानों का ये आग्रह है शहर में रहने वाले सभी सभी लोगों से कि वो हाट पर आएं और किसान की जो प्रोड्यूस है वो हाट पर आकर गांव में आकर किसान से खरीदें। और कृषि उत्पादों की आयात निर्यात नीति किसानों की हितकारी बने इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा होगी। मैं प्रोफेसर ओम जांगू जी से निवेदन करूंगा कि वो राजस्थान की स्पेसिफिक इस आंदोलन से जुड़ी कुछ बातें उस पर प्रकाश डालें। राजस्थान में जो ये मुख्य मांगे किसान संगठनों की है, इसी के साथ राजस्थान के 9 जिले जिनमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो भाखड़ा और पोंग डैम से निकलती है उसके अंदर लगातार गंदा पानी डाला जा रहा है, राजस्थान सरकार से बार बार उसको लेकर अनुरोध किया गया है, ये पानी हम साथ लेके आए हैं, ये पानी पीने के लिए सप्लाई हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की बात कर रहे हैं और राजस्थान के लोग इतना गंदिला पानी, एक चड्डा वाइन फैक्ट्री है जिसके अंदर कोई उबाल आने की वजह से उसका पूरा सिरा बुढ़लाडा का जो नाला है उसकी मार्फत व्यास नदी के दरिया में गिर गया, सारे जीव जंतु मर गए और पूरे राजस्थान के किसान और आम जन है वो उससे परेशान हो गए। हमने इस मुद्दे को भी उसके साथ प्रमुखता से रखा है कि ये जिन व्यक्तियों ने ये गंदा पानी छोड़ा है, पर्यावरण को नष्ट किया है और वहाँ के लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों की तरफ धकेला है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये लगातार 16 नाले हैं जो पिछले 30 साल से उस नदी के अंदर पानी छोड़ रहे हैं और राजस्थान के लोग उस पानी को पी रहे हैं। इस बार ज़्यादा गंदी स्थिति के कारण इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा उबाल आया है। इसी के साथ राजस्थान की किसानों की मांग है कि लहसुन जो 15 और 14 रुपए किलो बिक रहा है
1400-1500 रुपए क्विंटल बिक रहा है, जिसका बाजार आक्षेप योजना के तहत राजस्थान सरकार ने भाव 3257 क्विंटल निर्धारित किया है और अब तक मात्र 80,000 क्विंटल खरीदा है, जबकि 80 लाख क्विंटल के आसपास कोटा संभाग के अंदर उसका उत्पादन हुआ है, वो पूरा का पूरा उत्पादन राज्य सरकार के द्वारा खरीदा जाए। समर्थन मूल्य के नाम पर सरसों और चना की खरीद की जा रही है और किसान को भुगतान नहीं किया जा रहा है। 30 अप्रैल को जिस किसान ने सरकार को सरसों और चना का विक्रय किया है, उसको आज तक भुगतान नहीं मिला है। इसलिए हम इन दोनों तीनों मांगों को भी उसके साथ साझा किया है। कोटा के अंदर हमारे 6 किसान साथी जिनको लहसुन के अंदर नुकसान हुआ है, वो आत्महत्या कर चुके हैं। ये राजस्थान की पहली घटना है कि राजस्थान में आत्महत्याएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार तुरंत प्रभाव से किसानों का जो कर्जा है वो माफ करे और फसलों का लाभकारी मूल्य दे, और जो लाभकारी मूल्य घोषित किया जावे उस पर सरकार किसान का सारा माल खरीदे। और ये विदेशों से निर्यात करके अभी पाकिस्तान से चीनी मंगवा रहे हैं, मोजाम्बिक से दाल मंगवा रहे हैं, और हिंदुस्तान के किसान के गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। उसके दाल के जो पैसे, मूंग के जो पैसे हैं, वो अप्रैल के अंदर आए हैं, जो अक्टूबर के अंदर उसने सरकार को समर्थन मूल्य पर दिया है। तो ऐसी जो किसान विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ ये पूरे देश के 172 किसान संगठन इकट्ठे हुए हैं, और निश्चित हम उम्मीद करते हैं कि हम देश की सरकार को झुका के किसान का कर्जा भी माफ करवाएंगे और उसको लाभकारी मूल्य भी दिलवाएंगे। चंद्रप्रकाश सिहाग जी हमारे कैंडिडेट हैं सूरतगढ़ से, और बड़े मुखर किसान नेता हैं, सारे आंदोलनों में शामिल रहे हैं, इस आंदोलन पर चूंकि ये बड़े सक्रिय रहे इस आंदोलन में, इनसे दरख्वास्त करूंगा एक बार बताएं कि क्या रूपरेखा है अपने आंदोलन। किसान की खुशहाली के दो आयाम, कर्ज मुक्ति और पूरे दाम, इस कंसेप्ट को लेकर 1 जून से 10 जून तक 172-173 किसान संगठन मिलकर पूरे देश के अंदर किसान को पूर्णतया कर्ज मुक्त किया जाए, किसान की फसल के लाभकारी मूल्य मिले, और किसान को न्यूनतम सर्टेन इनकम जो फोर्थ क्लास कर्मचारी के इक्वल कम से कम मिलनी चाहिए, इन 3 मुख्य मांगों को लेकर हम आंदोलन करने जा रहे हैं। आज राजस्थान के रेस्पेक्ट में हम देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा दूध उत्पादक प्रदेश है, लेकिन आज वहाँ दूध के भाव गांवों के अंदर 12 रुपए से 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 5 फेट के दूध के भाव हैं। एक तरफ पर एक मिनरल वाटर की बोतल जो है वो 20 रुपए लीटर और किसान का दूध 15 रुपए लीटर बिके, वो तो है गांवों के अंदर। जब शहरों में वो दूध आता है तो 40 रुपए से ऊपर महंगा आप लोगों को लेना पड़ता है। हमने इस बार पहली बार आज़ादी से लेकर आज तक किसान की छुट्टी का प्रोग्राम किया है। आज तक किसान ने कभी छुट्टी नहीं की, 24 घंटे किसान काम करता है, दिन के अंदर खेत के अंदर काम करता है और रात के अंदर खेतों की रखवाली करता है, 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है, कभी छुट्टी नहीं हुई। पहली बार हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि 10 दिन के लिए किसान भी दूसरे कर्मचारियों की तरह छुट्टी पर जाएगा। अगर किसान 10 दिन छुट्टी पर जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था पे या शहरीकरण में जो लोग रहते हैं उन पे क्या असर पड़ता है। अगर किसान की सर्टेन आय नहीं हुई तो हो सकता है मजबूरी के अंदर किसान को एक दिन खेती करना छोड़ दे किसान, ऐसी परिस्थिति ना आए, इसलिए हमने ये एक टेंडर के तौर पे 10 दिन की छुट्टी का प्रोग्राम किसान के लिए किया है, ताकि सरकार जो केंद्र की सरकार है मोदी जी की सरकार, वो किसान की इस बात को सुने और किसान पूर्णतया कर्ज मुक्त हो और किसान खुशहाल हो, ये हमने फैसला लिया है 1 जून से 10 जून तक।